ये कितने का है? ये आपको 52,000 का मिलेगा। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे मीठे भरा उतरा होगे। मुझे यकीन था कि तुम 2 बजे आओगे। तो आपके चंद दोस्त होते हैं ना जो वेले भी हो, जब आपसे मिलते हैं तो वो ऐसे शो कराते हैं मैं बहुत बिजी हूँ यार, जरा जल्दी करो, जल्दी आओ, मैंने आगे जाना है। ये उस टाइप का दोस्त है मेरा। छोटी बहुत गाड़ी मैंने ऑटो शो से वापस आके, जब मैं ऑटो शो पे नहीं ले गया था लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो गाड़ी मैंने वॉश करवा ली थी, पॉलिश भी करवा ली थी आपके सामने है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। जब तक मेरा दोस्त पानी की बोतलें लेने गया है, मैं आपको बताता हूँ आज की अपडेट मेनली यही है कि हमने रिम्स ढूंढने हैं और आज इंशाल्लाह कोई ना कोई रिम हमने डिसाइड कर लेना है, क्योंकि आज मैं बहुत तंग आया हूँ इन रिमों से जो इस वक्त लगे हुए हैं इस गाड़ी को। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखे होंगे इसके रिम जो पुराने रिम थे वैसे तकरीबन या फिर उससे बेहतर रिम, मेरी कोशिश है कि मैं खरीद लूँ और इस गाड़ी को लगा लूँ, फिर ये मैं सेल कर दूंगा। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे आप DM कर दीजिएगा। इसको भी लेके जाने का मकसद ये है कि जो जलालत करनी है ना, थोड़ा सा साथ होगा तो जलालत थोड़ी कम होगी। दोस्त यार इसी चीज़ों में तो काम आते हैं, क्यों भाई? वाओ व्हाट अ सनी डे, धूप कड़क निकली हुई है भाई, सितंबर की धूप वो कड़क वाली अब आ गई है, सितंबर का महीना है, उसके बाद अक्टूबर में वैसे ही हल्की हल्की मीठी मीठी सी ठंड शुरू हो जाएगी और फिर नाइट राइड्स करने का कोई अखीर मजा आएगा। ओए 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 ओए, इसी बात पे आप सब्सक्राइब कर दो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इंस्टा पे फॉलो कर दो, क्योंकि फिर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप फिर अक्टूबर में देख पाओगे ना मुझे जरा मीठी मीठी ठंड में मीठी मीठी राइड्स के साथ। भाई 15 इंच में रिम तो दिखाए, में सिर्फ यही पड़े हैं जी, ये पड़े और कोई डिजाइन नहीं है? डिजाइन अरे जी अभी रिम तो नहीं मिला, लेकिन एक पास साइज कर लिया, वो कह रहे हैं इनके पास कर लिया परसों तक रिम मजीद आएंगे, तो अगर तो मैं यहाँ पे कल परसों तक मैं वेट भी कर लूँ, अगर नहीं मिलता आज दिन तो मैं वेट कर लूँगा, तो अभी साइज कन्फर्म कर लेंगे यार ये साइज पड़ेगा किनारी के साथ या नहीं पड़ेगा। आए जी रिम फिट करवा के देखते हैं। हाँ ये वाला 17 का सैंपल आना। ये वाला रेंज कितने का है? ये तकरीबन आपको मिलेगा 48। अगर सिल्वर मिले? नहीं रेट मौके पे होता है। नहीं सिल्वर वाला कब आएगा ये भी लगता है ना? अब आप इसी लाइन में निकलना है, अभी मेरा माल उतर ही रहा है, ये रात की रिपोर्ट में रही है। अच्छा। 2 दिन दे दो। तेरा दिमाग खराब हो गया, फिटमेंट नहीं बैठनी इसके साथ, डेली ड्रिवन गाड़ी है मेरी। तो ये है जी अपडेट, 2 रिम उन्होंने लगा के दिखाए हैं, जिनमें से एक जो गोल्डन रिम था ना वो मुझे कुछ समझ में आया, इतना भी नहीं, जो मैं चीज़ चाह रहा हूँ वो चीज़ नहीं थी, लेकिन कुछ समझ में आया मुझे वो रिम, और उसके मेरा ख्याल है 48,000 वो मांग रहे थे, तो वो कह रहे थे सिल्वर कलर में आएगा लेकिन 2 से 4 दिन बाद आएगा, अभी नहीं, 2-4 दिन बाद वो इनके पास दुकान पर आएगा। तो अभी आगे जाते हैं, देखते हैं अगर हमारी पसंद का रिम किसी शॉप पर पड़ा हो। सर ये राइट वाले की क्या प्राइस है? ये राइट वाले की इसकी? हाँ जी ये 75 का। हाँ जी रेट का अंदाज़ा लगाओ आप, एक शॉप से 48 एक शॉप से 75 सेम रिम का, अनबिलीवेबल यार। लेकिन मैं शॉप का नाम नहीं डालूंगा क्योंकि अच्छी बात नहीं होती, पता नहीं लड़के को पता था नहीं पता था या वो कैमरा देख के बोल रहा था, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन फिर भी यार डीप डिश पड़ा है 15 इंच। 15 इंच में डीप डिश पड़ा हुआ है। आगे हर जगह से इनकार क्यों मिल रहा है, ये जानने के लिए देखते रहिए। इधर से ही मिलने लगा 15 में डीप डिश पड़ा हुआ। ये वाला
8.25 कितने का है? ये आपको मिलेगा 45,000 रुपये का। और वो सेम प्राइस है? सेम प्राइस है, यूज तो नहीं है। नहीं नहीं, ये आपको मिलेगा 70,000। कितने का? 70। पर ये तो 18 लग रहा है। 18 है ना? पर ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इस पर सूट नहीं करेगा, लाल है। वो गोल्डन वाला रिम जो है ना वो प्यारा था, लेकिन इस गाड़ी पे सूट नहीं करेगा। क्या प्राइसेस हैं जी? क्या प्राइसेस हैं भाई? मुख्तलिफ कीमतें हैं, किसी का 50,000 है, किसी का 55,000 है, किसी का 72,000-73,000 रुपया है। ये कितने का है? ये आपको 52,000 का मिल जाएगा। 52। कितने जी है ये? 8.25 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
पास। ये तो सेम डिज़ाइन हो जाएगा पुराने वाला, ये तो नहीं लाना। ये आप लगा के दिखाओ सर यार। हाँ ऐसे ही बेसिक रेम लगा दो, टायर के ऊपर चढ़ाना। ये सात पे यहाँ पे आ रहा है, बहुत बाहर आ जाएगी। देखिए ये सेवन है, ये से इतना बाहर, इतना बाहर, वो काफ़ी बाहर आएगा। चलो ठीक है, थैंक यू। तो जनाब ये एक नई किस्म की वीडियो का आगाज है, POV ड्राइव करते हुए। तो मुझे आपने बताना है अगर तो ऐसी वीडियो आपको पसंद आएगी तो मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा मजीद, और अगर नहीं पसंद आएगी तो फिर ये लास्ट टाइम आप देख रहे हैं POV। और अब आप इंजॉय करें राइड, मैं राइड गाड़ी चलाते हुए बस एवं कमेंट पास करूँगा, बातें करेंगे हम सब, मतलब मैं आपसे दिल की बात करूँगा, आप मुझसे, आप मेरी बात सुनेंगे, करेंगे तो नहीं मेरे से बात, लेकिन आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी बातों का जवाब दे सकते हैं, मेरी बातों पे आर्ग्यू कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आपका हक है जो आप करना चाहें। और ये आगे चिंची पे लेके जा रहे हैं केले काफी सारे, आपको चाहिए तो अब हम जी ये होने वाले हैं लेफ्ट टर्न जिना हॉस्पिटल वाली रोड पे, जो कि मेरी वन ऑफ द सेकेंड मोस्ट फेवरेट रोड है लाहौर की। पहली कौन सी है आप बखूबी जानते हैं उस सड़क को, कौन सी है गैस कर। ओ यार क्या हो गया भाई, वो सबसे पुरानी सड़क है और सबकी फेवरेट सड़क है यार लाहौर की, तेरा दिमाग सड़क यार मैं माल रोड की बात कर रहा हूँ भाई, मुझे नहीं कितना खूबसूरत है, तुझे नहीं पसंद? नहीं नहीं नहीं, रश ना हो तो कितना खूबसूरत है, रात के टाइम अगर आप लेट नाइट निकले हो तो बड़ा मजा आता है। वो उसकी स्ट्रीट लाइट इतनी खूबसूरत लगती है, वो जो लाइटें लगी होती हैं, और रात के टाइम बंदा जाए इतना मजा आता है यार, एंजॉय करता है बंदा। और ये सेम सड़क, मतलब ये उस लेवल की नहीं है, छोटी सड़क है, लेकिन इधर भी वही वाइब आ सकती है आपको, क्योंकि ये जो है ना सड़क देखो अगर आप दोनों तरफ, ओ हो भाई कट करा के गए हैं भाई, वॉन्ट्स रेस लेकिन आई वॉन्ट रेस हिम, क्योंकि मैं रैश ड्राइविंग को सपोर्ट हर किसी नहीं करता। तो ये बात यहाँ पे मैं दोबारा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहूंगा कि रैश ड्राइविंग शहर के अंदर करना बेवकूफ़ी से काम नहीं है। ऑनेस्टली यार आपको जितनी मर्जी स्किल्स मिल जाएं, आपको नहीं पता होता आपका कौन सा कट किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो प्लीज़ रैश ड्राइविंग मत किया करो यार, ये चीज़ें मतलब आप चलाओ भगाओ गाड़ी, लेकिन खाली रोड पे भगाओ, किसी की जान को खतरा ना डालो, आपकी अपनी जान भी बहुत कीमती है आपके माँ बाप के लिए, और जो सड़क पे कोई बाइक पे जा रहा है कोई और किसी गाड़ी में बैठा हुआ है उनकी जान भी कीमती है। तो प्लीज़ अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। और क्या हो रहा है, और ये है कि मैं भी लाश ले लूँ, और यहाँ पे अंडे जा रहे हैं, और एक्वा वाले को सिटी ने बड़ा गंदा कट कराया, उसको चुल लग गई है किसने मुझे कट क्यों मारा है, लेकिन हम किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। ये आया एक्वा वाला के आया सिटी के पीछे, जाओ 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 उसको कट कराओ, फ़र्ज़ है आपका, बहुत फ़र्ज़ है आपका, ये देख बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कट करवाना है, अगर आपको कोई कहिए देखो वो देखो तुम्हें जगह नहीं देगा ये लाहौरियों का फर्ज होता है, अगर कोई कट करा दे उसको या तो कट मारो या उसके साइड पे जाके उसको बुरी कराओ ये तो फर्ज है लाहौरियों का। अब आने वाला है कलमा चौक अंडरपास, जिसमें एग्जॉस्ट की आवाज सुनने का इतना मजा आता है कभी कभी, और कभी कभी इतनी जहर लगती है ये आवाज। तो ये है कि अभी जो एग्जॉस्ट वाले भाई है ना मेरे, जिनकी गाड़ी में एग्जॉस्ट लगा है, वो मेरे से इत्तफाक लाजमी करेंगे। और ये माशाल्लाह हमारे खतरनाक सिटीजन आए हैं जो दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है ब्रोज, प्लीज प्लीज दूसरों का ख्याल रखा करो यार, माँ बाप वेट कर रहे होते हैं यार। सैड हो, अच्छा मैं आपको एग्जॉस्ट की बात सुनाता हूँ, ये जब करती है
है ना पॉपिंग आवाज आती है, क्रैकलिंग आवाज आती है, तब मजा आता है। सही रैश ड्राइविंग देखो मैंने अभी भी नहीं की, ठीक है, गाड़ी खींची है सिर्फ, रैश ड्राइविंग नहीं की। हम जा रहे हैं जी वापस घर, ये रिम देख के अभी आ रहे हैं। रिम का मामला मैं अभी आपको बताता हूँ जरा, ये मैं अभी ये POV जरा बना लूँ पहले। POV होती है ना ये? हाँ POV होती है शायद। वो खड्डा था यहाँ पे, बचत हो गई है। ये अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हो ना लाहौर में, आप एक महीना गाड़ी चलाओगे ना, आपको लाहौर की हर सड़क का स्पीड ब्रेकर खड्डा, हल्का सा खड्डा भी होगा ना, आपको याद हो जाएगा। तो ये बड़ा फ़ायदा रहता है। और यहाँ पे हम जा रहे हैं जी, अब आएगा जी हमारा फिरदौस मार्केट का अंडरपास, जिसकी वजह से बहुत बहुत सुकून हो गया फिरदौस मार्केट वाले सिग्नल पे। सबसे बड़ा टावर बन रहा है यहाँ पे, लाहौर का सबसे टॉलेस्ट टावर बनेगा, सबसे लंबा टावर। लंबा टावर कितने कितने फुट का? फुट हो गया। चले जी फिरदौस मार्केट अंडरपास में आपको मैं फिर से आवाज सुनाता हूँ। रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा, गाड़ी खींच रहा हूँ, याद रखियेगा। मुझे बस ये बताओ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो मैं क्या नाम है, इस तरह की वीडियोस और बनाऊं या ना बनाऊं। अगर तो आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो फिर मैं बनाऊंगा, वरना फिर मिस कराएंगे यार। ज़रूरी थोड़ी है इस तरह की वीडियो बनाना। क्यों अली भाई, आपको क्या लगता है ऐसा कॉन्टेंट अच्छा लगेगा कि मैं बातें कर रहा हूँ लोगों से और कोई साथ दोस्त बैठा है तो दोस्त के साथ बातें हो रही हैं, वरना सिर्फ सड़क और मैं और मेरी ऑडियंस? बहुत चाहिए, करना चाहिए, मेरी राय है आपके साथ। चलें सर, थैंक यू सर। बाकी मेन मसला है आपकी YouTube फैमिली का। हाँ जी, तो वो आपको बेहतर बता सकते। YouTube ऑनलाइन फैमिली मेरी। हाँ जी, हाँ जी, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वो बेहतर बता देंगे। चलें चलें अली भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर। कितने जी जी? 8:30। लेकिन 8:30 पूरा नहीं ना आना, वो कैंपर करनी पड़नी है। जी कितने जी जी? 8:00 यार। ये आपको 62 में फाइनल मिलेगा, ये भी ये तो वैसे ही महंगा पड़ता है, ये तो पाकिस्तान में है ही बहुत शौक। तो जनाब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये दिन के टाइम अचानक रात कैसे हो गई, तो सीन ये हुआ कि यार रिम ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो गया था, और रिम मेरी पसंद का जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ, अच्छे रिम थे, लेकिन जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रही। और जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखा दूँगा, तो ये सीन था, वो वहाँ से नहीं मिला। फिर अली ने कहा कि मेरा एक दोस्त है जिस जो घर पर रिम्स ना रखता है और घर पर रख के सेल करता है, तो मैं उसके घर गया हुआ था अभी, आपने देखे हैं, उसके पास भी 4 सेट पड़े थे, वो भी कह रहा था आप वेट कर लो मैं आपको मंगवा के दे देता हूँ। लेकिन यार वेट भी नहीं हो रहा, और ऐसे कामों में जल्दबाजी भी अच्छी नहीं होती, तो अब कन्फ्यूजन सी चल रही है। आप बस दुआ करो अच्छा रिम मिल जाए, और अगर आप में से किसी के पास पड़ा हुआ है तो मुझे DM कर दो मेरे इंस्टा पे, और वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफ़िज़।